नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में बुधवार को नगर निगम में कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कर्मचारियों के 30 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है। यदि सरकार कर्मचारी समस्याओं का निस्तारण नहीं करती है तो पुनः 28 तारीख को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के पश्चात नगर आयुक्त के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। इस दौरान धरना स्थल पर कौशल कुमार शुक्ल, रविंद्र कुंवर, देवेंद्र मिश्रा, राम आधार दास, फरहान अहमद, देवानंद त्रिपाठी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह ने कहा, राम प्रकाश सिंह अध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति। आज पूरे देश में इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन के आह्वान पर स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ उसका घटक है, उसके महासंघ के निर्देश पे नगर निगम गोरखपुर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जो नगर निगम स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन नगर आयुक्त के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को भेजे जाने का कार्यक्रम है, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं कि वेतन विसंगति दूर की जाए, जो हमारे आउटसोर्सिंग संविदा की तरह की जो भर्तियां होती है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और नई नियुक्ति की जाए, और जो हमारी बीमा पॉलिसी बंद है 2013 से उसको भी शुरू करने का कार्य किया जाए। विभिन्न पदों पे पदोन्नति का है, उससे भी अभी लंबित है मांगे, तमाम मांगे जो नगर विकास में लंबित है उस मांगों को लेकर आज हम एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद भी सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो पूरा 28 अक्टूबर को हम पूरा नगर निगम कार्यालय पे बैठ के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो 17 नवम्बर को पुनः एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। इसके बाद भी अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम 2 दिसंबर से 5 प्रतिनिधि डेली प्रतिदिन ये अनशन में बैठने का काम करेंगे। उसके बाद जो भी निर्णय हो महासंघ के द्वारा उसके पालन में हड़ताल या जो भी होगी उसकी घोषणा आपको बता दी जाएगी।